पश्चिम बंगाल के लिहाज से आज का दिन भी काफी हलचल भरा रहने वाला है। ममता बनर्जी अपने 294 उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली हैं। लेफ्ट पार्टियां भी अपने कोटे के चुनाव उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, जबकि बीजेपी की तरफ से भी आज एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कुछ उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं और नीरज पांडे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कुंतल का रुख कर लेते हैं। कुंतल, 294 सीटों का एक साथ उम्मीदवारों की घोषणा आज ममता बनर्जी कर देंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन 100 लोगों के टिकट काटे जाएंगे क्या वो बागी नहीं हो जाएंगे? हो सकता है, लेकिन ये भी सही है कि एक साथ अगर 294 उम्मीदवारों का नाम ऐलान हो जाता है तो जिन जिन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं उनको ही पता है कि मैं किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ। तो इसमें वो लोग तो ये तय हो जाएगा कि वो आज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम में उतर जाएंगे, तो यही है गेम प्लान। और इसी वजह से एक साथ 294 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ना कि पहले 60 बाद में 60 इस तरह से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि हर रोज़ एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का जो सिलसिला वो जारी है। इस वजह से तृणमूल कांग्रेस एक साथ ये नाम का ऐलान करना चाहती है। तो दूसरी बात ये कि पहले ये कहा जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से ही चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन अब संभावना ये है कि सिर्फ नंदीग्राम सीट से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने जा रही है। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो भवानीपुर सीट से चंद्रिमा भट्टाचार्य या फिर शोभनदेव चैटर्जी, जो कि वरिष्ठ नेता है तृणमूल कांग्रेस के, वो चुनाव में लड़ेंगे। और आपको बता दूं कि कई जो फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स हैं उनको इस बार टिकट मिलने वाला है तृणमूल कांग्रेस के तरफ से। आप बड़ी खबर दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक ही सीट नंदीग्राम से चुनाव लड़ सकती हैं। कुंतल चक्रवर्ती इस बड़ी खबर को दे रहे हैं। कुंतल चक्रवर्ती का कहना है कि केवल नंदीग्राम से लड़ेंगी, भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी, इस वक्त की बड़ी खबर है। कुंतल, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये मुकाबला बहुत कांटे का हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी अब ये लगभग फैसला कर चुकी है कि नंदीग्राम की सीट से केवल और केवल शुभेंदु अधिकारी को ही चुनाव लड़ाया जाएगा, वो भी दूसरी सीट से नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही पक्ष जो है वो अब उनका मानना यही है कि इस बार बंगाल के चुनाव जो है आप इस तरह से जीत सकते हैं, आप सेफ नहीं खेल सकते, क्योंकि जब ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से लड़ने वाली है इस बार चुनाव में, तब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी इज प्लेइंग सेफ, लेकिन इस बार अगर ममता बनर्जी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से सिर्फ चुनाव लड़ेंगी तो ये नहीं कह सकती है बीजेपी, शायद इसीलिए ऐसा कर सकती है ममता बनर्जी। और विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े जो चेहरा है शुभेंदु अधिकारी, उनको खुला चैलेंज ये भी है एक ममता बनर्जी की तरफ से कि आपका जो होम ग्राउंड है उसी होम ग्राउंड में जाकर मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तो आप आके मुझे चैलेंज कीजिए। तो ये है रणनीति, मुझे लगता है कि इस तरह की रणनीति के लिए ममता बनर्जी जाने जाते हैं, स्ट्रीट फाइटर है, और इसीलिए ये शायद हो सकता है तृणमूल का मास्टर स्ट्रोक, या भी ऐसा भी हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी के होम ग्राउंड में जाकर ये चुनाव लड़ने का फैसला गलत भी साबित हो सकता है। तो 2 मई को ही पता चलेगा, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक ब्रेव कॉल है ये। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।